हेलो गाइस, आज मैंने पहली बार अपने लिए कोई ट्राईपोड मंगाया है। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्राईपोड जिससे मैं अपनी वीडियो शूट करूँगा, अपनी टूरिंग की वीडियो शूट करूँगा, राइडिंग की वीडियो शूट करूँगा। तो आज इसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या है। सो बॉक्स तो मैंने पहले खोल लिया है। इसके अंदर आपको ये इसका सल्फर गोरिल्ला ट्राईपोड नाम से है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। आप देखेंगे तो ये इसमें क्या क्या मिलेगा ये, ओके इसके अंदर क्या क्या होगा ये आपको सब कुछ इसके अंदर दिख रहा है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। इसके अंदर इसका बिल है, ये बिल है, ये एग्जैक्टली मुझे पड़ा है 329 रुपीज़ का, 329 रुपये का। तो इसका बॉक्स हम करते हैं साइड और हम इस पर फोकस करते हैं। ये है सल्फर गोरिल्ला, इसको भी हम खोल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें। ये है वो ट्राइपॉड, तो ये है वो ट्राइपॉड। इसके साथ ये मुझे ट्राइपॉड मिला है, ये मोबाइल होल्डर मिला है, और सबसे अच्छी बात इस ट्राइपॉड की है ये है इसमें रिमोट मिला है। यही चीज़ मैंने अमेज़ॉन पे देखी थी, अमेज़ॉन में इतने में मुझे रिमोट नहीं मिल रहा था, तो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। इस पर आप अपना मोबाइल, एक्शन कैमरा, DSLR सब कुछ लगा सकते हैं। ये है एक्शन कैमरा के लिए, ये एक्शन कैमरा के लिए है। ये फ्लेक्सिबल है, कुछ भी कैसे भी हो जाता है, कहीं भी आपको इसको मोड़ना हो, कुछ भी करना हो, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। यूं करके मोड़ सकते हैं आप, उसको ऐसे रख सकते हैं, आपको किसी इस पर इसको कहीं हैंग करना हो किसी जगह पर, आप वो कर सकते हैं। आप इसको एज ए ट्राईपॉड की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे इसको मोटर व्लॉगिंग की तरह यूं करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये ट्राईपॉड है। इसको खोल के आप, अगर आपको मोबाइल लगाना है तो इसको निकाल कर आप इसको लगा लीजिएगा। ये रिमोट है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। इसका भी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ अभी। ये है इसका ब्लूटूथ, देखिए ये इसका ब्लूटूथ है। दो बटन दिए गए हैं, यहाँ से इसका पावर बटन दिया गया है स्विच ऑन ऑफ का। आप जैसे ही ऑन करेंगे तो ये लाइट जलेगी। आपको अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, वहाँ ए बी शटर करके आएगा। आप इससे इसको पेयर करेंगे, फिर आप इससे फ़ोटो और वीडियोज़ क्लिक कर सकते हैं। इसमें दो बटन दिए गए हैं। पहला बटन है आपका आईफोन यूज़र्स के लिए, जो आईफोन यूज़ करते हैं वो इसको क्लिक करके भी वीडियोस या फोटो शूट कर सकते हैं। नीचे का बटन दिया गया है आपका एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। जैसे मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं ये वाला बटन दबाऊंगा कभी भी मुझे अगर वीडियो शूट करनी हो, फोटो शूट करनी होगी। ये है इसका मोबाइल होल्डर, प्लास्टिक का है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है इसकी। और आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगाना है हॉरिजॉन्टली तो ये इसका स्विच स्क्रू स्विच दिया हुआ है, अगर आपको उसको वर्टिकली लगाना है तो ये दिया है। तो ये इस तरह से करके ट्राईपॉड पे यूं करके फिट हो जाएगा। अगर ट्राईपॉड की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक ठाक है, प्लास्टिक का है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ठीक ठाक है फॉर द बिगनर लेवल्स के लिए, ये चीज़ सही है। यही होता है, अगर आपको इसका वाइट वाला ये निकालना है, वाइट वाला निकालना है, तो आपको यहाँ से ये देख पा रहे होंगे, इसको प्रेस करना है और इसको बाहर की तरफ वो करना है, बाहर की तरफ करना है, तो ये करके निकल आएगा। अब इसको लगाने के लिए आप ऐसे लगा दीजिए। तो यही पूरा ट्राईपॉड का ये है, और ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा आपको। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप सीधा वहाँ से क्लिक करके आप सीधा इसको परचेज़ कर सकते हैं। बस में कोई वारंटी नहीं है, 7 डे रिप्लेसमेंट की गारंटी है। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी डिफेक्ट है, कोई चीज़ टूटी हुई है, कुछ भी है, तो आप 7 डेज़ के अंदर, विद इन 7 डेज़ के अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं। तो बस यही छोटा सा एक रिव्यू था मेरे लिए, मेरी तरफ से। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।